भैया हो भैया मजदूर भैया कि हम ता बनल किसान, हम ता बनल किसान कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2018 सबका बहुत ही क्रिएटिव जाए, सब लोग अपने अपने आर्ट में क्रिएट करें, आपकी जो कलम की ताकत है उसको और सृजनात्मक तरीके से आगे लाए। ये बहुत बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा एहसास है मेरे लिए। एक्चुअली मैं बहुत ही सिंपल शब्द में बोलूँ तो आई वॉज शॉक्ड। मुझे चूज़ किया गया है भारतवर्ष को, एक तरह से मैं प्रतिनिधित्व करूँगी कॉमनवेल्थ गेम्स में, क्लोजिंग सेरेमनी में 2018 अप्रैल में मैं जा रही हूँ। और अपने आप में एक सवाल आया कि मैं क्यों, मुझे क्यों खोजा गया, मैं भोजपुरी गायिका कल्पना। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि 2010-11 से जैसे द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर या फिर भूपेन हजारिका जी को आदर्श मानने की बात जो मैं हमेशा बोलती हूँ, या फिर इस बार जब छठ किया भी विंध्यवासिनी देवी जी को एक तरह की समर्पित रहा वो गीत, और फिर उसकी विजुअल में वो छोटी फिल्म में जब बिहार में मुसलमानों द्वारा छठ पर्व को मनाना, ये या फिर चंपारण सत्याग्रह की बात करूँगी, तमाम शायद कहीं ना कहीं एक ऐसे राह पे हूँ मैं। वर्ल्ड वाइड कोई ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक मेरे जो काम रहा, जो बॉडी ऑफ वर्क्स रहा, सो ये क्रेडिट उसको जाता है। भोजपुरी गायिका होने के नाते, लोक गायिका होने के नाते, ये बहुत बहुत बड़ा एहसास है कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करूँगी। भाषा साहित्य को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है उस पर, और जहाँ तक मुझे अब तक पता लगा है, और स्पिरिचुअलिज्म एलिमेंट जो है हमारे भारतवर्ष की, उसको अहमियत दी जाएगी। क्योंकि मैं अलग अलग बोलियों पर काम कर रही हूँ, नॉट ओनली भोजपुरी तो प्रधान है मेरे लिए, बट अदर देन भोजपुरी, आसाम की जो अलग अलग आदिवासी हमारी जो बोली है, देउरी, बोडो, मिसिंग, सोनोवाल, इन सब के बारे में भी बात हो रही है। और मैं खास इस नाते एक भावुक भी हूँ और एक गर्व का एहसास भी है कि मैं गंगा स्तुति, भिखारी ठाकुर जी का गंगा स्नान की भी कुछ पंक्तियाँ उस पर गाऊँगी। सो भारतवर्ष की अगर बात किया जाए, आस्था की बात किया जाए, नदियों के बारे में मैं गाऊँगी। ब्रह्मपुत्र से लेके जो गंगा जी की एक यात्रा रहा, फ्रॉम भूपेन हजारिका तो भिखारी ठाकुर, या फिर फ्रॉम ब्रह्मपुत्र तो गंगा जी, तो इस यात्रा को मैं गाऊँगी। फर्स्ट एक्सपीरियंस मॉरिशस में हुआ मेरा, और बट इंटरेस्टिंगली कहीं ना कहीं हमेशा भिखारी ठाकुर जुड़े रहे, वो प्लान नहीं रहा लेकिन वो ऐसा हुआ। जैसे 2012 में मैं जब गई मॉरिशस, तो द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर को वहाँ की सरकार ने मान्यता दिया एक तरह से। आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, हमारे देश में तो अभी भी बोली है लेकिन मॉरिशस में ये सेकंड लैंग्वेज है भोजपुरी। सो यहाँ से ज़्यादा मुझे पहला जो भिखारी ठाकुर जी के क्रिएशन पे, साहित्य पे सम्मान, वो उनके वहाँ की सरकार की आंखों में मुझे दिखा। और मंत्रालय में रिलीज़ किया गया द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर, और मैं मंच पे मैं भिखारी ठाकुर जी को गाई भी, तो वो पहला एहसास रहा। दूसरा लैटिन अमेरिका से, वेस्ट इंडीज़ से, मुझे वहाँ से एक्चुअली हमारे भारत सरकार को एक मेरे बारे में ये किया गया कि ये जो लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर में काम किया गया कल्पना, ये कौन है और इनको हम चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सुरीनामी, गयाना, ट्रिनिडाड टोबेगो, लैटिन अमेरिका की तमाम जो ये कंट्रीज़ है, हमारे जो पूर्वज है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार से बहुत सारे लोग ब्रिटिश काल में वहाँ पर गए थे, उनको बहला फुसला के बोले या फिर मजदूरी करने के लिए, एक तरह की एक अजीब सा माहौल में वो लोग गए जहाज़ से, वो लोग तीन चार चार महीना उन लोगों ने यात्रा किया, और बहुत संघर्ष करने के बाद आज वही सब कंट्रीज़ के वो लोग, एक तरह के वही लोग राज कर रहे हैं। और दिल में अभी भी भारतवर्ष को, अपने पूर्वजों को अभी भी वो लोग याद करते हैं, शायद इसीलिए लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर की जो इम्पोर्टेंस या मर्म है उसको उन लोगों ने दिल से समझा, और इसलिए मुझे बुलाया गया। तो मैं गई और वहाँ भी
ये दूसरा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ भी भिखारी ठाकुर जी के साथ ही मैं कल्पना का नाम जोड़ा गया। थर्ड नॉर्वे में मेला फेस्टिवल, ये लास्ट ईयर ओनली 2017। हालांकि इसमें नॉट ओनली भिखारी ठाकुर, यहाँ एंथोलॉजी ऑफ बिरहा जो एक मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है उसके बारे में मुझे कहना होगा। मुझे लगता था कि अब तक बिरहा में कभी गाई नहीं थी और हमेशा से मैंने सुना था दिनेश लाल यादव जी को या फिर विजय लाल यादव जी को, और हमारे जो हमारे अभी के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो बॉम्बे से परिचालित होती है, बहुत ही बेहतरीन राइटर है प्यारे लाल, कवि प्यारे लाल जी। फिल्म के लिए तो वो लिख रहे हैं लेकिन ओरिजिनली उनकी जो पहचान है वो बिरहा गायन से है, लेखन से है। तो मुझे लगा कि भिखारी ठाकुर करने के बाद मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश की बिहार में भी गाया जाता है आई नो, बट कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ज़्यादा हावी रहा इससे। तो मैं उनके पास गई एक्चुअली, प्यारे लाल जी के पास। तो एंथोलॉजी ऑफ बिरहा, उसके जो ग्रामेटिकल एलिमेंट्स है, व्याकरणिक जो तत्व है कि खड़ी बिरहा, दो दो पंक्ति का बिरहा, दोनों दो दो लाइन में, जैसे राम भैले जोगिया लखन भैया रगिया के दोनों भैया हो गए ले फीर अगरवा में दार लिहले तुलसी जी के मलबा है दोनों भाई मंगल अयोध्या में भीख। ये दो लाइन में ही ये स्टोरी खत्म है। अगला नेक्स्ट लाइन, ओही वृंदावनवा में पकली बाईरिया की राधा तोड़े दरिया झू काय अरे कहू बाईरिया राधा तोड़हू ना पवली की है अरे कन्हा दिहले बसी अनुरे ब जाय। सो राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंटरेस्टिंग है कि दो दो लाइन की फर्स्ट टू लाइंस का सेकंड टू लाइंस से थीमेटिक कंटेंट कनेक्शन कुछ भी नहीं है। तो ये खड़ी बिरहा प्यारलाल जी ने कहा कि ये अब ना के बराबर है, बहुत कम सुना जाता है। और उसके बाद वो बोलते गए कि अनुप्रास की जो होता है कि जैसे माँ अनुप्रास या फिर ककहरा, वहाँ पे पहला लाइन में का, सेकंड लाइन में खा ग, इस तरह से जो लेखनी की जो एक परंपरा रहा, आई थिंक ये बहुत ही एडुकेटिव एक अप्रोच है बिरहा में। और मुझे लगता है ये सब में अगर लोक भाषा की बात किया जाए, ये सब में स्टडी होनी चाहिए बच्चों को लेके खासकर। और मुझे लगा एंथोलॉजी बिरहा करना चाहिए, तो वो एक प्रोजेक्ट बन पड़ा। और ओस्लो में जब नॉर्वे में मैं गई मेला फेस्टिवल में, तो खड़ी बिरहा में गाई, हालांकि मैं उस रूप को गाई जो एमटीवी कोक स्टूडियो में आप लोगों ने सुना है, जो एक उसका एक पाश्चात्यकरण या फिर वर्ल्ड म्यूजिक कैटेगरी में भोजपुरी कनेक्टिंग विथ अफ्रीकन म्यूजिक, उस तरह से मैंने प्रस्तुत किया। लेकिन लोगों ने उतना ही उधर इंजॉय किया, भाषा समझ नहीं पाने के बावजूद। 2018 अब ये बहुत बड़ा एहसास है, ये तमाम जो है ये तो है ही मॉरिशस से लेके, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स को मैं और अलग नज़र से देख रही हूँ, क्योंकि हाल ही में ये 2017 की बात करनी होगी मुझे एक्चुअली। 2017 कमाल का रहा, सिर्फ मेरे लिए नहीं है ये लोक भाषा लोक गीत फ्रॉम असम टू हमारे बिहार उत्तर प्रदेश, बहुत बहुत ही ये रहा। मीन्स एक तरह से हमेशा जो एक कोशिश रहती है ना कि नेक्स्ट क्या, आगे क्या, ये एक परवान जो चढ़ने की बात है उस तरह से मैं बोलूँगी। और ख़त्म होती है 2017 भिखारी ठाकुर जी को भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक एकेडमी ने जो पाँच दिन का जो छपरा और कुतुबपुर में मनाया गया महोत्सव के रूप में, उससे बेहतर और इस लोक गायिका के लिए जो भिखारी ठाकुर को समर्पित है, भिखारी ठाकुर मेरे लिए तीर्थ है। दिसंबर महीने की 27 तारीख को मैं छपरा में होती हूँ संगीत नाटक एकेडमी के मंच पे, भिखारी ठाकुर को जीती हूँ मैं, भिखारी ठाकुर को महोत्सव के रूप में पाती हूँ। सो आई थिंक 2017 की भी बात करनी होगी, एक तरह की बहुत बड़ी जीत है। जहाँ तक कॉमनवेल्थ, जैसे अभी मैं दोहा में थी, इंटरनेशनल मंच दोहा भी है, कतार में थी पिछले ही मतलब 4-5 दिन पहले मैं आई हूँ, तो उस मंच का थीम ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पे साहित्य रचना या कुछ हमारे लोक परंपराओं की, हर 31st नाइट का जो मनाते हैं उस तरह का कि एक माहौल था। और तो वहाँ पे हम लोगों ने उसी तरह से, जो आप मेरे मेन स्ट्रीम सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं, उसी तरह के कि मैं गीत गाई। और जहाँ तक कॉमनवेल्थ गेम्स की बात है, यहाँ जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि यहाँ भाषा साहित्य, भारतीय आध्यात्मिकता और उसकी बात की जाएगी, तो उस बात को कहने के लिए जिन गीतों का प्रयोजन है
तो उस तरह से हम लोग करेंगे। हालांकि 7 दिन का वहाँ पे वर्ल्ड के अलग अलग जगह से जो आर्टिस्ट आएंगे उनसे मुलाकात हम लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ पे किस तरह से जो गैप्स होते हैं ना, लाइक इस गीत से भोजपुरी एक गीत से श्रीलंका के एक लोकगीत में कैसे जाएंगे, वो तमाम जो प्लानिंग्स है वो वहाँ ही एग्जैक्टली पता लगेगा। एस्थेटिक का कार्यक्रम का नाम है। सो इसमें लोक परंपरा और वो ज़्यादा रहेगा। और आई थिंक आसाम के जो खासकर ट्राइबल फोक एलिमेंट्स है, जिसपे मैंने पिछले 5 साल में बहुत अनुभव रहा मेरा, अपनी ही जगह है लेकिन फिर भी अपने ही जगह को हम लोग नहीं जानते हैं। हर मंच का एक विषय होता है, जैसे भक्ति जागरण में या डिवोशनल भजन के कार्यक्रम में हम अचानक एंटरटेनमेंट एलिमेंट नहीं लाते हैं, उसी तरह की बात है इसमें। बहुत मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है, हालांकि हाँ मैं हज़ारों गीत गाई हूँ, 30 अलग अलग भाषाओं में गाई हूँ, और उस नाते हाँ कभी जैसे मैं आसाम में भी जाती हूँ तो भोजपुरी जो गायिका कल्पना है वो सुनने के लोगों को बहुत चाहत रहती है। तो असमिया होने के बावजूद असम के लोग चाहते हैं कि कल्पना द्वारा भोजपुरी सुना जाए, तो उसके लिए मुझे कुछ रखना पड़ता है। भैया हो भैया मजदूर भैया कि हम बनल किसान, हम तो बनल किसान कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। भैया हो भैया मजदूर भैया कि हम तो बनल किसान, हम तो बनल किसान कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। रुई हम धुनिला कपड़ा बनावेला, कपड़ा से भरल बा दुकान, कपड़ा से भरल बा दुकान कि हमर बेटा लंगटे घूमे हो राम। इसकी जो रचना है इसका देखिए कितनी खूबसूरत है, आपकी और मेरी बात है, या फिर हम तो फिर भी शायद बॉम्बे में अलग एक स्थिति में है जहाँ तक दैनंदिन जीवन जीने की स्थिति है, लेकिन कहीं ना कहीं लोक गायिका होने के नाते आप वापस मैं चली जाती हूँ, मेरे पापा विपिन पटवारी जो मुझे साइकिल पे बिठा के घूमते थे अलग अलग मंच पे, या फिर हमको साल में सिर्फ 2 बार कपड़ा मिलता था, हम 4 बहन और पापा मम्मी के पास इतना पैसा नहीं था कि कभी भी कुछ पसंद आ जाए तो ले सकते थे, नहीं प्लानिंग होता था कि दुर्गा पूजा में या फिर असम की जो बिहू उत्सव है ये दोनों उत्सव में ही हमको वो कपड़ा अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सब गीतों में वो बात है, आपकी अपनी बात है। सो आई थिंक भोजपुरी है, लेकिन देखिए प्रेजेंटेशन इज इंटरनेशनल लोगों तक पहुंचाने के बाद, कि गरिमामय बिहार जो है। और खुशखबरी है मेरे लिए, मैं आपसे आपका हेल्प चाहिए, बेगम जान फिल्म की जो गीत है ओ रे कहारो, और इस बार फिल्म फेयर में नॉमिनेटेड है, और एक है aranningshadi.com जो बप्पी डा के साथ, बप्पी लहरी के साथ मैं गाई थी प्यार का टेस्ट, दोनों ही फिल्म नॉमिनेटेड है, गाने भी नॉमिनेटेड है, बट इस बार उसमें वोटिंग का एक सिस्टम डाला गया है। सो मैं चाहूँगी कि आपके थ्रू मैं सबको अपील करती हूँ कि ओरे कहारो और runningshadi.com को, कल्पना को इसमें जीतने का एक मौका दीजिए। भोजपुरी गायिका तो हूँ, हमेशा उसको श्रद्धा से देखती हूँ, लोक गायन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, बट देन ऑल्सो कभी कभार अगर बॉलीवुड से भी बुलावा आता है तो उसको ना नहीं करती हूँ, बॉलीवुड सबसे पॉपुलर इंडस्ट्री है। सो प्लीज़ आप सबको रिक्वेस्ट है कि इसको वोटिंग ज़रूर करें। Planet Bhojpuri